मिलिट्री कॉन्वॉय लगातार गाजा पट्टी की तरफ बढ़ता हुआ और आपको कई इस तरह के जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं और साथ ही साथ जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान हैं, देखिए रेडी टू फायर पोजीशन में ये पूरी तरह से आगे बढ़ते हुए, आपको बता दूं कि ये लगातार गाजा बॉर्डर की तरफ इस तरह के हमें स्पेशल फोर्सेस और साथ ही साथ जो असला बारूद है ये सब कुछ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है, गाजा के पास के जितने भी बड़े शहर है। ओके, आई थिंक फायरिंग हुई है और आपको दिखाई देगा, सब लोगों को यहाँ पर शेल्टर लेने के लिए कहा गया है। हमें भी चलेंगे, मान रन। ओके, फायरिंग हो गई है, ये देखिए रॉकेट, कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि जल्दी कम रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं और हमें इजरायली फोर्सेस के साथ में यहाँ पर झुकने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि नज़दीक में यहाँ पर कोई बंकर नहीं है। ठीक, कैमरामैन मान के पीछे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि रॉकेट्स दागे गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर लगातार फायरिंग की जा रही है और जैसे जैसे यहाँ पर नज़दीक आते जा रहे हैं हम गाजा बॉर्डर के, फायरिंग बहुत ज़्यादा, देखिए मेरा कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान भी तुरंत हमारे साथ में कवर ले चुके हैं और मतलब साफ है कि कुछ सेकंड्स तक हमें ऐसे ही बैठे रहना है। ओके, सो ऑल क्लियर बोल दिया गया है। इस तरह की यहाँ पर टेंस सिचुएशन चलती है, कुछ सेकंड्स आपको मिलते हैं यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए। और जैसे ही हम वॉक थ्रू कर रहे थे, हमें रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, हमें रॉकेट्स की आवाज़ सुनाई दी और हमें भी तुरंत माफ़ कीजिएगा, देखिए एक सोल्जर के हाथ में चोट भी लग गई है, उसे खून आ रहा है और इस तरह के टेंस सिचुएशन के बीच में लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा गाजा बॉर्डर के नज़दीक जा पाएँ और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है क्योंकि ये गाजा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक का एरिया है। जो इजरायली फोर्सेस आपको दिखाई देगा किस तरह से एक कॉन्वॉय में हैवी इक्विपमेंट्स के साथ में मूव कर रही हैं। जैसे ही वो मूव कर रहे थे इस चेक पॉइंट पर पहुंचे, हम अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहे थे और तभी रॉकेट मेरी बाएं दिशा से आया और हवा में आयरन डोम ने उसे न्यूट्रलाइज किया। जैसे कि आपने देखा कि कुछ ही सेकेंड्स का समय मिलता है और जब ये फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं ऐसे में और भी ज़्यादा गाजा की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। साफ संकेत कि इसराइल की तरफ से जितनी भी बमबारी हो रही है, हमास अपना सर नीचे झुकाने के लिए तैयार नहीं है, जिसका आपने एक झलक अभी हमारे इस रिपोर्ट में देखा। और जिस तरह से यहाँ पर फोर्सेस मूव कर रही हैं, इस पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे ये जो एरिया है जो इस तरफ जा रहा है मेरे दाईं तरफ, इसके आगे कोई भी सिविलियन मूवमेंट अलाउ नहीं है, विदाउट एक्रेडिटेशन, विदाउट स्पेशल परमिशंस। आप ये मान के चलिए कि मिलिट्री के अलावा या मिलिट्री के लिए जो साजो सामान की ज़रूरत है उसके अलावा किसी को भी इस दिशा में बिल्कुल भी जाना अलाउ नहीं है। ना केवल मेरे दाई तरफ बल्कि मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, देखिए मेरे पीछे भी यहाँ पर पुलिस ने इस बैरिकेडिंग की हुई है, इसके आगे वो जाने नहीं दे रहे हैं। और आप समझ जाइए कि अगर किसी भी दिशा में आप बढ़ रहे हो और इस तरह के चौराहे पर हो, चौराहे में से दो रास्ते अगर बंद कर दिए गए हो तो फिर कोई बहुत ऑप्शन रहता नहीं है। और ये इसीलिए टैक्टिक्स अपनाई गई है इजरायली डिफेंस फोर्सेज द्वारा कि अगर हमास के आतंकी इस तरफ बढ़े तो फिर उन्हें बिल्कुल भी न घुसने के लिए मौका मिले और अगर वो एक बार घुस जाएं तो फिर उन्हें आगे जाने के लिए भी बिल्कुल मौका नहीं मिले। वो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, सारी गाड़ियों को जिनका मिलिट्री से वास्ता नहीं है उन्हें वापस भेजा जा रहा है। केवल और केवल इजरायली डिफेंस फोर्सेज ही इन दो इलाकों में जाने के लिए अलाउड हैं। मेरी दाएं तरफ और मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन है और आपने देखा कि कुछ ही सेकेंड्स का समय मिलता है, यानी मतलब साफ है कि हमास अब भी लगातार फायरिंग कर रहा है और इसराइल को चुनौती दे रहा है कि जितनी बमबारी करनी है कर लो,
लेकिन हमास की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे थे, दागे जा रहे हैं, और शायद और भी आने वाले कुछ दिनों में इस तरह के रॉकेट्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ठिकानों पर दागे कंटिन्यूसली जाएंगे। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, गाजा बॉर्डर के पास से एबीपी न्यूज के लिए। हमारे सहयोगी आशीष सिंह और उनके साथ कैमरा पर्सन मान ने कितनी बहादुरी से ये रिपोर्टिंग की, आपको तस्वीरें दिखाई जब रॉकेट फायर किया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, तो ठीक वहीं पर मौजूद थे आशीष और उन्होंने दिखाया कि कैसे इजरायली फोर्सेस ने कवर किया अपने आप को, उनके साथ उनको भी कवर लेना पड़ा, झुकना पड़ा, और जब पोजिशन क्लियर हुई तो उन्होंने सारी तस्वीर आपको दिखाई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।